हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2021 अब हमें ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट होते हुए नज़र आ चुका है। और आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग, सभी आईपीएल की फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, आज हमारे सामने तीन काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने केन विलियमसन को अपना कैप्टन अनाउंस कर दिया था डेविड वार्नर की जगह पे, और ये चीज़ हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि डेविड वार्नर की कैप्टनसी हमें इस बार बिल्कुल भी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही केन विलियमसन कहीं ज़्यादा सुलझे हुए कैप्टन है, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल उनके पास है। लेकिन जो मेन चीज यहां पर निकल कर आती है SRH की तरफ से, वो ये है कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है इनके द्वारा, उस पर लिखा गया है कि ये कुछ ऐसे चेंजेस करने वाले हैं अपनी टीम के कॉम्बिनेशन में, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि डेविड वार्नर आप लोगों को आने वाले कुछ मैचेस में SRH की टीम का हिस्सा होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डेविड वार्नर की फॉर्म बिल्कुल ही खराब चल रही है। और ऐसे में SRH के मैनेजमेंट ने अब साफ कर दिया है कि डेविड वार्नर अब इनके टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं कुछ मुकाबलों के लिए। हो सकता है जेसन रॉय को अजमाया जाए, हो सकता है रोटेशन हो बैरिस्टो रॉय और वार्नर के बीच में, या हो सकता है होल्डर को अंदर लाना चाहते हो। लेकिन जो भी हो, SRH की टीम आज होने वाले RR के खिलाफ जो प्लेइंग 11 होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। हम आपको लगातार चैनल के ऊपर अपडेट दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉरन के प्लेयर्स हैं जो कि बायोसिक्योर बबल की लिमिटेशंस के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं आईपीएल में, और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि उनको वापस लौटने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उनके उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पार्ट नहीं होना चाहते। और गाइज, अब पंजाब किंग्स की टीम की साइड से बहुत ही बुरी अपडेट निकल कर आई है, जहां पर ESPN क्रिक इन्फो के हवाले से खबर है कि दो ऐसे प्लेयर्स हैं पंजाब के फॉरन जो कि अभी के अभी आईपीएल को छोड़ना चाहते हैं। इन्होंने अपने टीम मैनेजमेंट को भी ये क्लियरली बता दिया है कि आईपीएल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इसके साथ ही इन्होंने BCCI से भी रिक्वेस्ट की है कि इनको जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाने को अलाउ किया जाए, क्योंकि इनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम अगर इन दो फॉरन प्लेयर्स को जाने देती है तो आईपीएल का काफी इंपॉर्टेंट ये पड़ाव चल रहा है, तो फिर ये टीम सिर्फ 6 ही फॉरन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के साथ बच जाएगी। और अभी तक नाम तो सामने निकल कर नहीं आए कि कौन से प्लेयर हैं, लेकिन जो भी प्लेयर हम देख रहे हैं कि पंजाब की टीम ने ऑलमोस्ट सभी फॉरन के प्लेयर्स को चांस दिया है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर पंजाब किंग्स की टीम को काफी तगड़ा झटका लग सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आती है कल हुए मुंबई इंडियंस और CSK के बीच मुकाबले को लेकर, जहां पर MI की टीम ने CSK की टीम को एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया था। लेकिन गाइज, ये मुकाबला ना सिर्फ हमें फील्ड के ऊपर देखने को मिलता है, बल्कि फील्ड के बाहर भी इन दो सबसे मोस्ट पॉपुलर टीमों के फैंस हमें काफी ज्यादा लड़ते हुए दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय स्पोर्ट्स को करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर मुकाबला जीतने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस ने इस बात को बोला कि मुंबई इंडियंस ही एक ऐसी टीम है जो कि CSK की टीम को डोमिनेट करती है, उनका जो विन परसेंटेज है वो 50% से भी ज्यादा आ जाता है CSK की टीम के खिलाफ, और CSK की टीम पॉइंट्स टेबल में कहीं पर भी हो, सिर्फ मुंबई इंडियंस ही एक ऐसी टीम है जो कि उनको चैलेंज करती है, उनको हरा देती है। और MI फैंस का मानना है कि CSK की टीम भले ही पॉइंट्स टेबल में किसी भी पोजीशन पर आ जाए, लेकिन अगर वो नॉकआउट्स में मुंबई इंडियंस की टीम के सामने आते हैं तो फिर हमेशा MI की टीम का पलड़ा ही भारी रहता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से क्या मुंबई इंडियंस के फैन सही हैं, क्या आपको लगता है CSK और MI की टीम में से कौन सी टीम एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ती है, अपना आप ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।